अब बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार और दिल्ली सरकार की गलत नीतियों की वजह से लाभ में रहने वाले जल बोर्ड अब बदहाल हो गया है। उन्होंने भी कहा कि द्वारका में जल शोधन संयंत्र बनाने के लिए जो जारी निविदा को बिना कारण बताए पहले रद्द कर दिया गया, 280 करोड़ के टेंडर को पहले रद्द किया गया और फिर कुछ महीनों बाद उसी कंपनी को वापस काम दे दिया गया। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार और बोर्ड के अध्यक्ष को यह बताना चाहिए कि आखिर किन कारणों से पहले निविदा रद्द की गई और बाद में पुरानी कंपनी को काम आवंटित किया गया। उन्होंने इस मामले की जांच केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत उपराज्यपाल से भी की जाएगी और साथ ही बीजेपी विधायक विधानसभा में ये मामला उठाएंगे और पार्टी जनता के बीच इसे लेकर जाएगी। बोर्ड जो एक फायदे की संस्था है थी, उसको किस कदर कर्जों से लदी हुई और घाटे की संस्था बनाकर उसको बर्बाद और कंगाल कर दिया है दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। 280 करोड़ के टेंडर को इनके बोर्ड ने रिजेक्ट किया और ये मिनट्स जो हैं, यानी 152वीं मीटिंग के मिनट्स जो 12/6/2020 को हुए थे, उसके मिनट्स आपने 153वीं मीटिंग में कन्फर्म कर दिए। यानी जो टेंडर आपने किया था 280 करोड़ रुपए का टेंडर L1 हुआ, रिजेक्ट हो गया। आप देखिए, रिजेक्शन किया, कन्फर्म किया, उसके बाद आपने उसी कंपनी को दोबारा टेंडर दिया। ना तो आपने रिजेक्शन का कारण बताया, ना दोबारा अवार्ड करने का कारण बताया। तो एक साल के बाद आपने जब उस काम को किया तो दिल्ली के जल बोर्ड, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन इस बात का जवाब दे कि उन्होंने किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया था। पहले तो वो जवाब दे कि उन्होंने किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।